विकास पटेल चौधरी जिंदाबाद, मनोहर विकास पटेल जिंदाबाद, बहुजन बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसोई ब्लॉक चौक पर जमकर हंगामा किया। भारत बंद के तहत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साकिर आलम की अगुवाई में घंटों तक बारसोई ब्लॉक चौक पर भारी संख्या में लोग डटे रहे, जिससे घंटों तक जाम लगा रहा। वहीं बीएमपी नेता साकिर आलम ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जी, हम लोग भारत बंद इसलिए किए थे, भारत बंद जो किया था वो ओबीसी के लोग जो अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा, हम लोग ने उनका भरपूर समर्थन करते हुए हमारे पार्टी की तरफ से, बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हम लोग उनका साथ दिए हैं और उनका जाहिर समर्थन करते हैं। जहाँ जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता ने हम लोगों का भारत बंद को सफल करने के लिए हम लोग मैदान में थे और आज हम लोग बारसोई ब्लॉक चौक में हम लोग जो है भारत बंद को सफल करने के लिए हम लोग जाम किए थे और बहुत अच्छा से किए भी हैं। और जहाँ तक सवाल है, भारत बंद इसीलिए किए, ओबीसी जनगणना नहीं हो रहा है भारत में, आज कुत्ता बिल्ली जहाँ तक हिजड़ों का भी गिनती सरकार कर रही है, लेकिन ओबीसी जो आधा से ज़्यादा आबादी हमारे भारत में है उनका अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। वक्ताओं ने एक सुर में ओबीसी समाज की जनगणना कराने की मांग की। हम लोग का जो हक मिलना चाहिए वो हक हम लोग को मिलना चाहिए, जनगणना जैसा होना चाहिए, सबका जनगणना होता है तो हम लोग का भी जनगणना होना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए, जो कि जनगणना अभी हो ही नहीं रहा। उधर ज्यादा भीड़ के कारण साकिर आलम ने कार्यक्रम जल्दी समाप्त किया। फिलहाल बीएमपी के नेताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार उनके सुनेगी और मांगों पर कड़ा कदम उठाएगी। मोहम्मद मीनारून, बारसोई।